वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI को लगता है कि वेस्टइंडीज की स्लो विकेट विराट को मदद नहीं करेंगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कोहली को लेने से घबरा रहे हैं चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर। विराट ने आखिरी बार साल 2022 में खेला था T20 वर्ल्ड कप। यशस्वी जायसवाल ने फरवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। यशस्वी ने इस रेस में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के प्रथम निसंका को पछाड़ा। जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैचेस में दो दोहरे शतक लगाए थे। WTC के मौजूदा सीजन में यशस्वी के नाम सबसे ज्यादा 1028 रन दर्ज है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत IPL में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंत को NCA से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने साफ कर दिया कि पंत टीम के कप्तान बने रहेंगे, लेकिन वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। पंत का दिसंबर 2022 में रोड एक्सीडेंट हो गया था। IPL 17 में राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा IPL के पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। BCCI ने उनको लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। BCCI ने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा की 23 फरवरी को सर्जरी हुई है। फिलहाल वो BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में है और जल्द ही NCA में रिहैब शुरू करेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि चेन्नई के ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे IPL में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो भारत की T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह बना सकते हैं। शिवम दुबे ने IPL 2023 में 14 पारियों में 418 रन बनाए थे। शिवम ने रणजी ट्रॉफी में रन बनाने के अलावा भी विकेट हासिल किए हैं। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में श्रेयस अय्यर ने विदर्भ के खिलाफ खेलते हुए दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। मुंबई की तरफ से खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने तूफानी अर्धशतक ठोका। 111 गेंदों पर अय्यर ने 95 रन की पारी खेली। विदर्भ के गेंदबाज आदित्य ठाकरे ने श्रेयस का विकेट हासिल किया। श्रेयस की फॉर्म लंबे समय से खराब चल रही थी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई के युवा खिलाड़ी मुशीर खान की सनसनी। विदर्भ के खिलाफ शतक बनाकर हासिल की बड़ी उपलब्धि। 19 साल के मुशीर खान ने फाइनल में शतक लगाने वाले मुंबई के सबसे युवा बल्लेबाज बने। इस शतक के साथ मुशीर ने सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। पहली पारी में सिर्फ 6 रन बनाने वाले मुशीर खान ने दूसरी पारी में 136 रन बनाए। सचिन ने यह उपलब्धि 22वें साल में हासिल की थी। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जेफरी बायकॉट ने जेम्स एंडरसन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बायकॉट का मानना है कि इंग्लैंड को अब एंडरसन से आगे बढ़ना होगा। एंडरसन ने भारतीय दौरे पर टेस्ट करियर के 700 विकेट पूरे किए थे। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने साफ कर दिया है कि मिशेल मार्श T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे। T20 वर्ल्ड कप जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। ऑस्ट्रेलिया के कोच ने मार्श के कप्तान बनने का सपोर्ट किया है। एरॉन फिंच के रिटायरमेंट के बाद से मिशेल मार्श ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने स्टीव स्मिथ को लेकर बड़ी बात कही है। पॉन्टिंग के मुताबिक स्मिथ के पास गेम का काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन T20 फॉर्मेट में अपनी पहचान खो चुके हैं। पॉन्टिंग ने आगे बताया कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में स्मिथ को जगह देंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको शामिल नहीं करेंगे।